हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में मेरे आपको मैं सिखाया था कि कुछ अर्थमेटिक और कुछ मूव्स जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए उससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कुछ मूव्स और एडिशन के इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए। तो चलिए कुछ एक प्रॉब्लम देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रजिस्टर, बी रजिस्टर में मान लीजिए एक डेटा है A1, और सी रजिस्टर में मान लीजिए आपके पास एक डेटा है जो कि B3 है। इन दोनों डेटा को हमको ऐड करना है और एक मेमोरी लोकेशन है जो कि मेमोरी लोकेशन मान लीजिए आपके पास है F1B1। इस तरीके से आपके पास एक एड्रेस है। तो हमको करना यह है, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास B+C हमारा बी का रजिस्टर और सी का रजिस्टर का डेटा को ऐड करना है और मेमोरी लोकेशन में भेजना है उसके आंसर को। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये डेटा प्रीवियसली नहीं, पहले से दिया हुआ है बट वो रजिस्टर में नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको बी रजिस्टर में ये डेटा को डालना होगा और सी रजिस्टर में ये डेटा और ये डेटा को इंडिविजुअल रजिस्टर में डालते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है मूव। हम यहाँ मूव यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, तो इमीडिएट डेटा वाला इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। तो उसको बोलते हैं MVI। आई यहाँ पर इमीडिएट डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो MVI B, A1। तो इस इंस्ट्रक्शन से हम डेटा जो कि A1 है उसको हम वहाँ मूव करवा सकते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मूव MVI, मूव कराएंगे हम BE को C में, तो C, BE, B3। तो इस तरीके से हमारे पास B और C रजिस्टर में वो डेटा आ चुका है। अब हमको करना क्या है, इन दोनों का हमारे पास B रजिस्टर में हमारे पास A1 आ चुका है, C रजिस्टर में हमारे पास B3 डेटा आ चुका है। अब हमको क्या बोला जा रहा है कि इसको दोनों डेटा को ऐड करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले मूव कर लेते हैं एक्यूमुलेटर में बी रजिस्टर के डेटा को। तो होगा क्या, यहाँ बी में बी का डेटा ए में चला जाएगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे रजिस्टर एडिशन वाला विदाउट कैरी वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन ADD, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सी। तो इससे क्या होगा, क्योंकि बी का डेटा ए में जा चुका है, अब A+C और इसका आंसर जाएगा ए में। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास A1 और B3 जो डेटा दिया हुआ था वो ऐड हो चुका है, वो हमारा एक्यूमुलेटर के रजिस्टर में जा चुका है। अब एक्यूमुलेटर का डेटा हमको भेज अब इस आंसर को हमको इस एड्रेस में भेजना है। तो इस एड्रेस में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत और तरीके हैं। पहले इजी वाला तरीका हम देख लेते हैं कौन सा है। तो हम लिखेंगे मूव, पहले एड्रेस को सेट करेंगे मूव H, F1 मूव B1 सॉरी L, B1। इससे क्या होगा, HL पेयर रजिस्टर में वो एड्रेस चला जाएगा F1, B1। तो इस तरीके से HL पेयर में हमारे पास वो एड्रेस आ चुका है। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे मैं जो रजिस्टर से डेटा उठाकर मेमोरी में डाल देंगे। तो हमारे लिए उसके लिए इंस्ट्रक्शन होता है मूव M, A। इससे क्या होगा कि हमारा जो ए में रखा हुआ डेटा है वो मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो मेमोरी लोकेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर F1, B1। तो इसमें इसका आंसर चला जाएगा, इसका आंसर जो कि आंसर स्टोर है एडिशन का एक्यूमेटर में, सॉरी। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक और प्रॉब्लम आता है, जैसे मान लीजिए ये तो पूरे इंस्ट्रक्शन हमारे 8-बिट वाले हैं। अगर आपके पास एक वैल्यू है जो कि BC रजिस्टर में एक डेटा पहले से दिया हुआ है, हमको मान लीजिए एक है 1431, इस तरीके से एक एड्रेस है डेटा है, और मान लीजिए DE रजिस्टर में डेटा दिया हुआ है
A1 B1। अब हम चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, ये 16 बिट का डेटा है और ये 16 बिट का डेटा है, इन दो 16 बिट के डेटा का एडिशन करना है और एक अनदर रजिस्टर में, HL रजिस्टर है, इसमें इसका आंसर आना चाहिए। हम ये चाहते हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि ये दोनों डेटा ऐड हो और इसके अंदर चला जाए, क्योंकि ये 16 बिट का हमारे पास डेटा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे। अब तो पहले हमको करना ये होगा, क्योंकि ये 16 बिट का एडिशन है, 8 बिट के एडिशन में हमारे पास कैरी जनरेट होता है। अगर मान लीजिए इनको हम ऐड करते हैं, तो यहाँ से कैरी जनरेट होगा और इस कैरी जनरेशन जो आएगा, इसको हमको इस वैल्यू के साथ ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो दो एडिशन का आएगा, एक ADD इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे और एक बार ADC इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इन सारे डेटा को हम लोग पहले रजिस्टर में शिफ्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे MVI B, 14, बी में रजिस्टर में 14 चला चुका है। सिमिलरली MVI C 31, सिमिलरली MVI D, A1, MVI E, B1। तो इस तरीके से हमारे पास ये चारों रजिस्टर में वो डेटा जा चुका है जिसका एडिशन करना है। अब हम करेंगे, क्योंकि इसको एक्यूमुलेटर में वैल्यू चाहिए हमको, तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं C प्लस ई। अब वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो ये कैसे करना है हमको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, MOV A, C। पहले C की वैल्यू A में डाल लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे ऐड कौन सा रजिस्टर, ई रजिस्टर। इससे क्या होगा, A प्लस ई और A में चला जाएगा। तो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने पहले क्या किया, A में पहले C की वैल्यू डाली, फिर C के साथ E का एडिशन किया और A में उसका आंसर चला गया। अब ये क्योंकि आंसर हमारा लोअर बिट का था, तो लोअर बिट का आंसर हम लोअर बिट के अंदर चल डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, MOV L, A। इससे क्या होगा, L रजिस्टर में आंसर जो कि A के अंदर आंसर जा चुका है, उस आंसर को हम L रजिस्टर में भेज देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास लोअर बिट HL पेयर के L में जा चुका है उसका आंसर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मूव, अब हमको चाहिए ये 14 डेटा और A1 डेटा दोनों को ऐड करना है विथ कैरी। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे हम, पहले A में डालेंगे वैल्यू, कौन सी वैल्यू, B की वैल्यू को डालेंगे। तो हम लिखेंगे A, B। अब उसके बाद लिखेंगे हम, हमारे पास वैल्यू आ चुका है A में, अब यहाँ पर हम एडिशन करेंगे डायरेक्ट ADC। ADC यूज़ क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कैरी के साथ एडिशन करना है। तो ADC लिखेंगे और बाद में लिखेंगे हम लोग D। इससे क्या होगा, A, D प्लस कैरी फ्लैग और इसका आंसर चला जाएगा एक्यूमुलेटर में। तो हमारे पास एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू आ चुकी है विथ कैरी एडिशन। अब वो लिखेंगे हम मूव, लिखने के बाद यहाँ पर H, A। इससे क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा का एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो H पेयर में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास H में A की वैल्यू चली जाएगी। तो इस तरीके से HL पेयर में हमारा पूरा का पूरा वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर ध्यान देंगे, पहले एडिशन में कैरी के साथ एडिशन नहीं करना है, हो सकता है कि प्रीवियस अनदर किसी प्रोग्राम के थ्रू हमारा कैरी फ्लैग सेट हो गया होगा, तो उस समय हम इस समय एडिशन हम सिर्फ ऐड का इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन नेक्स्ट भी हम लोग करेंगे ADD ADC। इससे होगा ये कि हमारा कैरी फ्लैग के साथ एडिशन होगा वो, और यहाँ विदाउट कैरी एडिशन होगा, तो इसमें हम लोग का एडिशन होने के बाद कैरी जनरेट होगा, वो कैरी जनरेशन फ्लैग में सेट होता है, वो फ्लैग में सेट होने के बाद हमारा नेक्स्ट 8 बिट हमारा उसके साथ ऐड होगा और हमको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एडिशन के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं, कुछ मूव के इंस्ट्रक्शन और एडिशन के इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए। सिमिलरली हम लोग सब्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सब्सट्रैक्ट में हम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यदि आप कोई वैल्यू को दिया गया हुआ वैल्यू को माइनस या माइनस करना है तो कैसे करते हैं। तो इसमें हमारे पास मान लीजिए एक वैल्यू दिया गया है
41 माइनस 83, इसका आंसर लेके आना है हमको आंसर। लेकिन ये हमारे पास एक रजिस्टर बी रजिस्टर में मान लीजिए और ये सी रजिस्टर में मान लीजिए, और इस आंसर को मान लीजिए मेमोरी लोकेशन हमारे पास C043 में हमको भेजना है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है। यहाँ पर ध्यान देंगे हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में ही जाना चाहिए, ये वाला वैल्यू को एक्यूमुलेटर में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा अगर हम एक इस प्रॉब्लम को हम लिखने की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करते हैं, इसका टिपिकल क्या है इसका वो पार्ट को देखेंगे। पहले हम माइनस करते हैं, पहले प्रॉब्लम लिखते हैं। तो पहले हमको बी में इस रजिस्टर चाहिए, तो MVI C, 4A3, तो ये A3 C में चला जाएगा। सिमिलरली MVI B, 41, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू इसके अंदर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको सब्स्ट्रैक्ट करना है, तो सब्स्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास आता है SUB इंस्ट्रक्शन आता है। तो SUB इंस्ट्रक्शन में हम हमारा क्या होता है, एक्यूमुलेटर के साथ माइनस होता है गिवन रजिस्टर और मेमोरी या फिर इमीडिएट डेटा। तो ये इसके साथ माइनस होता है, ये इसके साथ माइनस नहीं होता है, इस बात का हमको ध्यान देना होता है। तो इसीलिए ही हमको मूव करना होगा बी के रजिस्टर को मूव कराएंगे। बी मतलब ए की वैल्यू बी में जाएगी, ना कि सी की वैल्यू बी में जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर सब का इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और यहाँ पर सी रजिस्टर लिखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस सी होगा, मतलब ए का रजिस्टर का डेटा बी के रजिस्टर का डेटा माइनस हो गया एक दूसरे से, और आंसर हमारा ए रजिस्टर में जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास माइनस हो चुका है, हमारे पास अभी वैल्यू आ चुकी है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब क्या है, रजिस्टर ए में हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हमको इस मेमोरी लोकेशन में भेजना है। तो मेमोरी लोकेशन वाला अगर इंस्ट्रक्शन आया हुआ है, इसका मतलब हमको सबसे पहले HL पेयर में वो मेमोरी लोकेशन का डेटा डाल मेमोरी लोकेशन फिड करना होगा। तो मूव H, C0 मूव L, 43, इससे क्या होगा कि HL पेयर में हमारे पास अभी वो एड्रेस आ चुका है जिसमें हम लोग को उसको भेजना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मूव M, A, तो ए में जो कि आंसर था वो अब उस मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा। तो हमारे पास वो मेमोरी लोकेशन जो भी है, जो कि C043, उसमें वो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सिमिलरली जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास प्रॉब्लम दिया था, यहाँ जो हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास 16 बिट का अगर कोई डेटा है, यहाँ पर एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, इसी चीज़ को हम लोग सिमिलरली बनाएंगे। अगर सब्सट्रैक्ट की बात आती है, हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शन एज इट इज़ होंगे। बस यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्ट होगा SUBE लिखा जाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा SCBD, और ये पूरा पूरा प्रॉब्लम एज इट इज़ होगा, और ये प्रॉब्लम पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा एज इट इज़। इस 16 बिट के किसी डेटा को अगर हमको माइनस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो इस तरीके से 8 बिट का सब्सट्रैक्शन और हमारा 16 बिट के सब्सट्रैक्शन के प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। ओके, थैंक यू।